बिजनौर वाइन्स में, मैं ललिता राजपूत और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल बिजनौर वाइन्स में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 19 तारीख को है कार्तिक पूर्णिमा, और कार्तिक पूर्णिमा का एक विशेष महत्व माना जाता है। और आप देख सकते हैं कि आज हम आए हुए हैं विदुर की नगरी दारानगर गंज में, और हम जानते हैं कि गढ़ के बाद यहीं पर सबसे बड़ा मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा पर, गंगा स्नान। लोगों की भीड़ है, अभी हम आपको पूरा मेला दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि प्रशासन ने क्या क्या इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ मेले में कहा जाता है कि बहुत बड़ा मेला होता है, लगभग 4 लाख भक्तगणों की संख्या यहाँ पर गंगा स्नान के दिन देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में प्रशासन का काम काफी बढ़ जाता है, क्योंकि गंगा स्नान के दिन हम सभी जानते हैं कि काफी हादसे होने का भी डर रहता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रशासन के क्या क्या इंतजाम है। काफी दिनों से इस मेले की तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि गंगा को काफी सारे भागों में विभक्त किया गया है, इधर उधर, और लोगों की भीड़। इस समय भी यहाँ पर काफी लोग गंगा स्नान का आनंद ले रहे हैं, और सामने देखिए आप, वहाँ पर टांड बने हुए हैं जिस पर ट्यूब भी रखी हुई दिख रही है। तो ये इस तरह की कई सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, जिससे कि कोई भी, भगवान ना करे, अगर कोई दुर्घटना होती है तो तुरंत रेस्क्यू, अगर कोई डूबता है तो उसे तुरंत रेस्क्यू किया जा सके। उस प्रत्येक स्तर की टांड पर बने हुए स्थान पर व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनके पास ट्यूब भी है, अगर कोई भी ऐसी घटना होती है वो चारों तरफ नजर रखे हुए हैं इस समय भी, और लगातार वो नजर रखे रहेंगे क्योंकि काफी भीड़ यहाँ पर आने वाली है। तो अगर कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है तो ताकि तुरंत ही किसी को भी रेस्क्यू किया जा सके, तो ऐसा इंतजाम यहाँ पर प्रशासन द्वारा किया गया है। और आपको दिखाना चाहेंगे कि आप इधर देखिए, जैसे बहुत सी महिलाएं आती हैं मेले में, तो वस्त्र बदलने के लिए यहाँ पर, वस्त्र बदलने के लिए भी यहाँ पर टीन सेट बनाए गए हैं, जिससे कि महिलाओं को कोई भी परेशानी ना हो और वो अपने वस्त्र बदल सके। तो ये इंतजाम यहाँ पर प्रशासन द्वारा किए गए। तो देखिए, बहुत सारे गांव से यहाँ पर लोग आए हैं, युवा बुजुर्ग सभी यहाँ पर है, बच्चे भी आनंद ले रहे हैं। तो एक हमारे साथ बुजुर्ग आइए, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम राजवीर सिंह जी। अच्छा, कौन से गाँव से बिलोंग करते हैं? गाजीपुर से। अच्छा, तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? 35 साल हो गए जी। अच्छा, 35 साल से यहीं आते हैं जी। जी, अच्छा, तो गंगा स्नान के महत्व के बारे में कुछ बताइए। बस खुशी है हमें, अच्छी बात है, साल भर में गंगा नहाने को मिल जा है जी। जी, हाँ। अच्छा, अब 2 साल से तो मेला नहीं भरा था, अब 3रे साल भरा है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, हाँ। तो अच्छा, आप 35 साल से यहीं पे आते हैं? जी, हाँ जी। तो आप, पड़ोस है हमारा, 25 किलोमीटर पड़ता है हमारा गाँव से। तो आप आ तो 3 दिन है अभी, तो मेले को तो आप इतने दिन पहले आ गए। हाँ, क्या करें, जगह नहीं मिल पाती है। अच्छा, तो आप कब आए थे? आ जाइए कल, कल कल 1:30 बजे आ गए दोपहर में। अच्छा, कल 1:30 बजे जी। अच्छा, यहाँ पर जो इंतजाम किया गया है प्रशासन द्वारा, कैसा लगा? सब सालों से बढ़िया इंतजाम आपका। अच्छा, सब सालों से बढ़िया इंतजाम आपका। हाँ, तो देखिए, बहुत हर साल से बहुत अच्छा इंतजाम, पुख्ता इंतजाम इंतजाम है सब प्रशासन का, बहुत बढ़िया इंतजाम है यहाँ पर जी। तो देखिए, प्रशासन था ऐसा? अच्छा, पहले नहीं था ना जी। ना, आप मीडिया वाले हैं जी? जी, इतना अच्छा इंतजाम बहुत दिनों होया ही नहीं। अच्छा, हाँ। लैट्रिन की बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाई गई है आपके, पहले नहीं थी ऐसी, और जो बहुत गंदा मेला था, अब का बहुत बढ़िया व्यवस्था। अच्छा, आपकी और व्यवस्था पहले नहीं, पहले नहीं होती थी जी? नहीं, इतनी नहीं थी साहब। तो देखिए, जी, तो भक्तगणों का यही कहना है कि इस बार व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, और वाकई बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के लिए पीछे, बहुत पीछे वहाँ पर शौचालय बनाए गए हैं अलग अलग, और यहाँ पर प्रशासन का पुख्ता इंतजाम है, लगातार पुलिस फोर्स भी यहाँ पर घूम रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं और क्या क्या है इस मेले में। तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम बबीता। अच्छा, आप कहाँ से आयो? सल्लापुर, हल्द्वार के पास। अच्छा, सल्लापुर से आयो। तो आप कब आ गए थे यहाँ पर? हम सुबह आए। अच्छा, सुबह आए हो। तो अच्छा, मेला तो अभी 19 तारीख में, मतलब गंगा स्नान तो 19 तारीख में होता है, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? जी, अच्छा लगता, फिर जगह भी नहीं मिलती यहाँ। अच्छा, जगह नहीं मिलती। अच्छा, तो एक बार बताइए कि जैसे यहाँ पर अब की बार जो व्यवस्था है, महिलाओं को वस्त्र वगैरह बदलने की व्यवस्था होती है, तो यहाँ पर आप आए हुए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको, व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? वैसे व्यवस्था तो सही है, पर पब्लिक ही बिगाड़ती है व्यवस्था तो, नहीं तो व्यवस्था तो वैसे सरकार ने बहुत अच्छे से कर रखी, ऐसे नहीं है। महिलाओं के वस्त्र वगैरह बदलने के लिए तो ये टीने लगी है, तो वहाँ की व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था तो सही है, पर औरतें भी अपनी व्यवस्था अपने आप बिगाड़ती हैं। अच्छा, कैसे? उसमें पोटी करती हैं, टॉयलेट करती हैं, वो कपड़े चेंज करने के लिए तो होती है। अच्छा, और उसमें इस तरह की करती तो फिर तो बिगाड़ती तो है। तो देखिए, बहुत ही अच्छी बात बताई है इन्होंने कि जो जनता है, शासन कितनी भी व्यवस्था कर ले, लेकिन जो जनता है वो व्यवस्था को बिगाड़ देती है। जबकि महिला शौचालय पीछे बनाए गए हैं, पुरुषों के अलग शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन जो वस्त्र बदलने के लिए यहाँ पर स्थान बनाए गए हैं, तो कुछ महिलाएं ऐसा कर रही हैं कि वहाँ पर
गंदगी फैला रही है जो बहुत ही गलत है। तो जनता को भी अपने अपने लिए किए गए प्रशासन के कार्य को समझना चाहिए कि कहाँ क्या काम करना है, इसका जनता को ही ख्याल रखना पड़ेगा, इसका प्रशासन ख्याल नहीं रख सकता है।